चलो दस दा मैं तनु जिंदगी दी कुछ गल्ला मैं छल्ला ईगो नाल पड़ा मेरी जिंदगी है बल्ला भल्ला उदो आवे जद ईगो विच आवे अहंकार बुरे समय को साथ ना दे तू रह जाएगा कल्ला कल्ला रहना जरूरी ता तू होगा मजबूत मजबूत मेरी बोली सच्चाई है मौजूद। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो योर बॉय इज फाइनली हियर। सो अभी जो ट्रैक हम सुनेंगे वो नया ट्रैक है भाई एमसी स्टैन और उसका नाम है स्नेक, मतलब सांप। तो इंट्रो के पीछे भाई ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज तुम जितने एक्साइटेड रहते हो स्टैन को सुनने के लिए मैं भी उतने एक्साइटेड रहता हूं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन एंड टू ऑल द एमसी स्टैन फैंस सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और शुरुआत करते हैं, ये हुआ शुरुआत बैंक हिंदी रिकॉर्ड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को, भाई ने अपना नया रिकॉर्ड शुरू किया हिंदी रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए शुरुआत करते चलो आगे। डायरेक्टेड बाय एमसी स्टैन, ओके, ओ बिलीव आर्टिस्ट सर्विस मैन। क्या ही शुरुआत है स्टैनी, इनकी मां डाल। सही है ब्रो, सही है। ट्रैक बहुत ज्यादा अलग साउंड कर रहे, एक अलग ही मेलोडी साउंड कर रहे, और क्या ही खूबसूरत, मतलब यूनिक प्राइमरी सबसे अलग, बहुत सही। चलो क्या मालूम होते लगा मैंने माँ बाप को अपने बोल से कैसे कह रहे सकती मेरे तो बिना मालूम गिरा पैसा नाम रखा पैसा लिख डाला जितने भी गाने मेरे तेरे पे चकुली नाम रख एमसी निकाल भिकारी बच्चे लोग कधे तेरी भेंट। चकुली मतलब क्या होता है भाई, हो सकता है कुछ मराठी लैंग्वेज में कुछ होता हो उसका मतलब, मैं नहीं समझ पाया इसलिए मैंने पॉज किया। आगे चलते हैं। नाम रख एमसी निकाल भिकारी बच्चे लोग कधे तेरी भेंट, इनको भी मालूम है भिकार डाले खान बैन देख टाइम में मेरे को बोलने के शेर छमड़े होते माजे समरे ले लान इंग्लिश ने आ दिन के फोन में ने इसका रस्तान को आए मंदी शान बाड़ा बन कधी करी यार तेरे सुन मेरी बात 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 तेरी मान कितना ने किस बुलु कर मत वेट पर नहीं हो मैं सब बन गए ले खात इन सांस से भरोसा उड़ गए लगे बाल में करने के मर्डर का प्लान रीजन दी आइटम या फिर बोली का ब्रो what was that some murder plan मालूम ये करने के मर्डर का लेकिन ट्रैक है, वो ट्रैक नहीं है जो तुम सुन के मतलब ऐसे सुन के देखते रहो, ये समथिंग है जो मतलब सुन के तुम एक स्मोक हाथ में एक जॉइंट हो और यू जस्ट एंजॉय द वाइब, ऐसी ट्रैक है ये। लेकिन ओजी तू रहने की कोशिश में छूते की गिनती में कभी मत ले लड़की के पीछे ने ठीक करा वॉइस पब्लिक इधर इससे ओवर वॉइस पुलिस से ज्यादा पब्लिक करी चेस में फैशन इधर लाने वाला मतलब गाने वे तुम लोगों लगा हम लोग नहीं
मैं फैशन इधर लाने वाला मतलब गाने बजे वेस्ट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ एक बार था और बहुत हार्ड वर्ड था, मतलब कान्ये वेस्ट, या मैं फैशन लाया इधर लाने वाला मतलब कान्ये वेस्ट, कम ऑन। तुम लोगों को लगा हम लोग नशे में थे, लेकिन तुम लोग नशे में थे, आज उठा नहीं तू कैसे। Loving the melodies, कैसे भाई ने arrangements किए, कैसे क्या किए, I'm just loving, कानों में इतना खूबसूरत लग रहा है ना यार, rapper वैपर rap वैप game सब side हटा दो, बस music सुनो और भाई की बातें enjoy करो, बहुत सही। तेरी main fan मेरी क्या करूँ मैं, illusion bro तू ending तक ले, मार का है रेता तू उस दिन दे, चांदे बोला सिर पे अपने पहले से केस, इधर का कागा भी कर दे उधर जाके पे। मार खाया रहता, किसकी बारे में बात हो रही है यार, उस दिन तू मार खाया रहता, पहले से केस है मेरे ऊपर, समथिंग लाइक दैट। सो स्टोरी ही बता रहे बंदे अपने गानों में, स्टोरी ही बताता है लेकिन अलग अलग तरीके से स्टोरी बताता है और मजा आता है हमको सुनने में, पर जो उसने सहा है, जो उसने जिंदगी देखी है वो बहुत अलग है ब्रो, सुनने में तो अच्छा लग रहा है बिकॉज बट उसकी जिंदगी बहुत तकलीफदार रही है पहले सिर पे अपने पहले से केस, इधर का कागा भी कर दे उधर जाके पे। मालूम थी सबको किसकी थी बीट, सो एक ट्रैक था ना तड़ीपाड़ में जिसको जिसकी बीट लेके कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद सम व्हाट वाज क्या नाम था यार वो बीट प्रोड्यूसर का, उनके साथ कुछ दिक्कत हुई थी, तड़ीपाड़ में ही कोई ट्रैक था, तो उसके बाद उस ट्रैक को भाई ने मतलब प्राइवेट भी कर दिया था, सो उसके बारे में ही अभी बोल रहा है। इतने टाइम निकलते मेलोडीज, कम ऑन सरकास्टिक ब्रो। पूरे ट्रैक में, पूरे ट्रैक में भाई ने कितने बार अपने वॉइस को मॉड्यूलेशन किया यार, बहुत सही। सिंगल है भाई तेरा लैम्बो की, अभी तक देखते लो सीआरडी, प्यार में सुनने का जेआरडी, कॉमेडी करूंगा ये अभी बोले। फर्स्ट इट वाज जीआईडी, देन इट वाज एआईबी, कॉमेडी करूं जैसे एआईबी ऑल इंडियन बकचोद, हम सबको पता है उसके पहले सीआरडी था। नाइस रेफरेंस गेम, अच्छे से बोलने की सी। Just look at him, man. This man is genius. He know how to make music. This man is genius. और बंदे की look देखो यार, those dreadlocks, मतलब देख के लगता है बंदा बहुत ज्यादा influence है West Coast से. Lovely. वाइब वाला ट्रैक था यार ये, पूरा पूरे तरीके से पॉज कर देता हूँ, पूरे तरीके से वाइब वाला ट्रैक था और खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया था, वो ऐसे नहीं है कि बहुत फेक चीजें दिखानी है, यहाँ पे पीछे एक मतलब सेट लगा के उसके आगे वीडियो बना के दिखानी है, रियलिस्टिक रहना है ब्रो, अपने स्ट्रीट पे जैसे रहते हैं, जैसे जिंदगी गुजारती है, वीडियो भी वैसी थी और ट्रैक बहुत खूबसूरत, मेलोडीज के साथ क्या खूबसूरती से खेला गया, और भाई इनके अरेंजमेंट्स जो होते हैं, मैं हर ट्रैक में बोलता रहा हूँ, भाई के अरेंजमेंट्स अलग ही होते हैं ब्रो, जो हम सोचते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे वो बंदा अभी करके बैठा हुआ है, मीन्स ही इज ऑलरेडी डूइंग द मतलब टाइम से आगे है, ही इज अहेड ऑफ द टाइम इन मेकिंग म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बहुत ही सही ट्रैक था, उसलिए मैंने ज्यादा पॉज नहीं किया, बिकॉज ये ट्रैक था हम वाइब करे जिसपे, एक मैंने क्या बोला, हाथ पे जॉइंट लो, माल तरफ फूक को, पफ करो, दोस्तों को पास करो और गाने चला के बस चिल करो। सो मजा आ गया यार, मजा आ गया, आज दो ट्रैक मैंने सुने, दो ट्रैक बहुत धासु थे, मजेदार थे, अब नेक्स्ट पता नहीं कब ट्रैक सुनूंगा, कब रिएक्ट करूंगा, कोई आइडिया नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई पार्ट, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, तो जल्द मिलते हैं, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।